भाई ये अपनी इलेक्ट्रा 350 और अभी जो है ये वाली बाइक भी डिसकंटिन्यू होने वाली है रॉयल इनफील्ड की तरफ से। अच्छा, इसमें अब आपको जो है सेल्फ तो इसके अंदर खैर अवेलेबल होता ही है आपको, इसके अंदर अब कंपनी क्या करेगी चेंजेस, तो इसमें जो किक आती है आपकी किक रिमूव हो जाएगी कंपनी की तरफ से एंड अब ये बाइक जो है डबल चेसी में अवेलेबल होएगी एंड इसके जो पीछे के जो टायर है वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा। अभी इसमें जो है आप रियर टायर आपको पतला देखने को मिलता था जो कि इसका एक ड्रॉबैक है, वो इसमें कंपनी अपडेट करेगी। बाकी टैंक वगैरह और सेम रहने वाला आपका, एनालॉग मीटर में थोड़े चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं एंड इसी के साथ में जो अपनी स्टैंडर्ड है इसमें भी बहुत ज़्यादा बदलाव होने वाले हैं कंपनी की तरफ से। इसमें आपको सेल्फ अवेलेबल नहीं होता था अब तक, जो कि इसकी विशेषता एंड इसकी जो है क्या कह सकते हैं इसकी खासियत भी आप इसे कह सकते हैं एंड इसमें अब कंपनी जो है सेल्फ प्रोवाइड करवाएगी आप लोगों को। इसमें से जो है इसमें से भी किक रिमूव हो जाएगी एंड ये दोनों बाइक जो है अब डबल चेसी के अंदर अवेलेबल करवाएगी कंपनी। BS6 फेस 2 मॉडल ये बाइक है, आप देख सकते हो A20 वर्जन वाला डबल चेसी में बाइक आएगी, किक रिमूव हो जाएगी, सेल्फ आ जाएगा स्टैंडर्ड में एंड इसका भी जो टायर है वो ब्रॉड आने वाला है। बहुत अच्छा लगेगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा बुरी खबर मैं कहूँगा इस चीज़ को कंपनी की तरफ से। तो अभी जो भाई परचेज़ करना चाहते हैं करंट में हाल ही में, तो वो क्या करे कि भाई जिनको ये परचेज़ करनी हो तो अभी जितनी भी शोरूम्स पर अवेलेबल है ये बाइक तो वहाँ जाकर आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसका प्रोडक्शन बंद हो चुका है रॉयल इनफील्ड की तरफ से एंड इसकी बुकिंग भी अब मुश्किल हो पाएगी आपकी। इसलिए आप जल्दी जाके अपनी स्टैंडर्ड एंड इलेक्ट्रा बुक कर सकते हो ताकि आपको यही वाला वर्जन मिल जाए।